हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं क्यू बेसिक मैंने ओपन किया है और फॉर लूप लगाया। अब देखिए इसमें हेलो माय डियर लिखा है, इस पे चाहे तो आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं हटा देता हूं यहां से, यहां पे मैं अपना नाम लिख देता हूं, लाइक यहां पे लिखा सूरज तिवारी, तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया, देख सकते हैं ना। अब इसको रिलेटेड कोड्स को क्लोज किया, अब यहां पर देखिए इसको चलाऊंगा, ऊपर लिखा हुआ है फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई को इनिशियलाइज कर दिया 1, आई में इनिशियलाइज कर दिया 1 और 4 तक चला रहा हूं, यानी 4 टाइम ये प्रिंट होगा। आगे नेक्स्ट आई कर दिया है मैंने, और अगर मैं इसको चलाता हूं F5 करके एंटर करता हूं तो ये थोड़ी देर में फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हो गया है, इसको यहां से डिसमिस करता हूं और अब देखिए ये आउटपुट, तो यहां पे देख सकते हैं ये 4 टाइम सूरज तिवारी प्रिंट हो रहा है, ये देख सकते हैं ना। अगर आप इसी चीज को यहां से 5 10 जितना कर देंगे उतनी बार ये प्रिंट करेगा, जैसे 12 कर दिया तो 12 टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, क्यू बेसिक का अगर सवाल पूछा जाता है तो क्यू बेसिक का सवाल आसानी के साथ आप बता सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। देखिए मैंने 12 टाइम किया, अब ये 12 टाइम प्रिंट करेगा, देखिए काउंट कर सकते हैं आप इसको, 12 टाइम है ये, ठीक है ना। ये दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम दे दिया गया, कहा गया कि क्यू बेसिक में दो नंबर को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल का क्या भरोसा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट हमें, तो हमें प्रिंट करवाना है यहां पे एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये प्रिंट करवाना है ना, ठीक है। ये कर दिया हमने, और यहां पे इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इनपुट, ये हो गया, और यहां पे लिखिएगा num1 दे दिया हमने, ठीक है, num1 दे दिया। अब एंटर करेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट print, और फिर यहां पे डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये कर दिया एंटर द सेकंड नंबर, ओके। तो अब क्या करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर यहां लिखेंगे इनपुट, इनपुट इस तरीके से, और यहां पे क्या दे देंगे, num2 ये दे दिया, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आएंगे, अब यहां पे लेट कमांड का यूज करेंगे, तो लिखेंगे लेट LET, यहां पे एक सम नाम से बना लेता हूं, सम इज इक्वल टू num1 plus num2, ठीक है। अब ये हो गया, सम के अंदर num1 और num2 को स्टोर करा लिया हमने, ठीक है। अब प्रिंट करवाएंगे वापस से, क्या प्रिंट करवाएंगे, यहां लिखेंगे प्रिंट और लिखेंगे द टोटल इज, ये लिख दिया, ठीक है। और यहां पे कॉमा दे दीजिए, सम के अंदर चूंकि स्टोर था तो सम यहां पे दे दीजिए, और यहां पे एंड कर दीजिए। अब इसका काम खत्म है ना, तो इसको एंड कर देना है हमें, END, एंड कर दिया। अब इसको चलाना है F5 करके, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर एक फाइल बनेगी, ठीक है, और उसके बाद यहां पर पहला नंबर आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा, इस तरीके से जैसे आप पाइथन में करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो ये देखिए यहां पर इसको मैंने क्लोज किया है, अब देखिए ये पहला नंबर आएगा फिर दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने पहला नंबर एंटर नहीं किया तो 55 एंटर कर दिया, अब कह रहा है एंटर द सेकंड नंबर तो दूसरा नंबर एंटर कर दिया, तो दोनों का टोटल हो क्या गया, एकदम आसान है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।